नेक्स्ट ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन है फंडामेंटल ऑपरेशंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखा हमने आप नंबर थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। लेट अस कंसीडर z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib एंड z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस id, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वो भी सिंपल है। z1 और z2 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर उनका जो है प्रोडक्ट निकालें, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों के रियल पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस दोनों के इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन प्लस i इंटू इसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, a और d का मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट और इसके रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन यानी bc, ये आपका z1 और z2 का मल्टीप्लिकेशन का आने वाला रिजल्ट होगा। हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, अगर हम z1 और z2 का मल्टीप्लिकेशन निकाले तो यही आता है कि नहीं आता है, हम देख लें। z1 और z2 का मल्टीप्लिकेशन a प्लस ib आपका z1 है, उसका मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है z2 से c प्लस id से। देखें पहले ये बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, और नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन देखा था, मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन और बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम देख चुके हैं। बस ये दो टर्म है, ये भी दो टर्म है, ये भी बाइनोमियल फॉर्म में, ये भी बाइनोमियल फॉर्म में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है इसका, इससे मल्टीप्लाई होगा ए सी, ए का आई डी से मल्टीप्लाई होगा आई ए इंटू डी, फिर आई बी का मल्टीप्लाई किससे होगा सी से, आई बी का मल्टीप्लाई सी से होगा, आई बी का सी से मल्टीप्लाई होगा क्या रहेगा आई बी सी, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा आई इंटू आई आई स्क्वायर, बी इंटू डी बी डी। हम देखें यहां पे तो ये आपका ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी, आई स्क्वायर माइनस वन है, माइनस वन इंटू प्लस क्या रहेगा माइनस इंटू बी डी माइनस बी डी, सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, आई स्क्वायर इस से मल्टीप्लाई कर रहे बी डी से, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू बी डी माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ये एक रियल नंबर है ए इंटू सी, ए सी रियल नंबर है तो उनका मल्टीप्लाई रियल नंबर होगा, बी और डी दो रियल नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई भी रियल नंबर होगा, उनका माइनस वन से मल्टीप्लाई भी रियल नंबर रहेगा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर का को एक साथ कर लें, क्योंकि दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर होगा, ये प्योरली रियल होगा। ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, दोनों आई वाले नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, इन इमेजिनरी नंबरों का एडिशन होगा, दोनों का आपस में एडिशन हो जाएगा, और आई अगर हम कॉमन निकाल लें तो हम इसे लिख सकते हैं एडी प्लस बीसी। ये इमेजिनरी नंबर, दो इमेजिनरी नंबर का एडिशन इमेजिनरी नंबर होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा उन दोनों के अलग अलग रियल पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन और दोनों के इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लीकेशन का सब्ट्रैक्शन रहेगा, रियल पार्ट का मल्टीप्लीकेशन माइनस उनके इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लीकेशन, इस न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बनेगा रियल पार्ट, और उस न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट कैसे बन रहा है, इसका रियल इंटू इसका इमेजिनरी इंटू इसका रियल, उन दोनों का एडिशन, तो ये वेरीफाई होता है हमारा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा हमने यहां देखा, उसे वेरीफाई किया। अब प्रॉपर्टीज
ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज देखना हमें। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज में हम वैसे ही एडिशन के जैसी प्रॉपर्टीज हम यहां वेरीफाई कर सकते हैं, यानी अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 उनका मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये मल्टीप्लाई Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हमने निकाला है कि वो कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम निकाल लें क्योंकि अभी हमने उसे वेरीफाई किया तो अब दोबारा वेरीफाई नहीं करूंगा मैं, उसे आप निकाल लें। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया इसे नोट डाउन कर लें और Z2 का Z1 से मल्टीप्लीकेशन निकालें। ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। ये क्या आते हैं हम देखेंगे दोनों रिजल्ट सेम होंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल सेम रहेंगे, यानी Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई या Z2 का Z1 से मल्टीप्लाई दोनों के दोनों सेम रहेंगे। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, वो हमारा एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ था, ये मल्टीप्लीकेशन का कम्यूटेटिव लॉ है। नंबर टू है हमारा, अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 Z2 Z3 तो उसमें एसोसिएटिव लॉ भी होगा, यानी अगर हम पहले Z2 और Z3 का मल्टीप्लीकेशन कर लें जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा Z1 को उसे हम मल्टीप्लाई कर दें आने वाला रिजल्ट बिल्कुल वही रहेगा। अगर हम यह करें कि पहले Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई करें जो आने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरीके से आने वाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर और आने वाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होंगे, इक्वल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट सेम होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी सेम रहेंगे और ये लॉ कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद थर्ड लॉ हमारा मल्टीप्लीकेशन का, अगर हमारा Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको हम किसी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल वही होगा। अगर हम 1 को Z1 से मल्टीप्लाई करें तो आने वाला रिजल्ट Z1 होगा। इस लॉ को हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी अगर हम Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिए उस ऑफ फॉर एग्जांपल आपका Z1 a+ib है, हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 से रियल पार्ट भी मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी पार्ट भी मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू a ही रहेगा, 1 इंटू आईबी ही रहेगा और ये a+ib बोले तो Z1 है, यानी Z1 इंटू 1 आपको Z1 मिलेगा। ऐसे ही 1 इंटू Z1 निकालें तो वो भी क्या रहेगा? Z1 ही मिलेगा, यानी 1 से ए भी मल्टीप्लाई हुआ, 1 से आई भी मल्टीप्लाई हुआ, आपका यही कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 होगा। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू 1 और 1 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ये आइडेंटिटी लॉ है प्रोडक्ट का। नंबर 4 है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें या 0 को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 0 से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किए या उस कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किए तो हमें 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। हम मल्टीप्लाई करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा a+ib ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से रियल पार्ट भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट भी, और दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, 0+0i हो जाएगा, दैट मींस वो 0 हो जाएगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और उसके उसे आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसी तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। उसके बाद की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई ले कर लें, प्रोडक्ट निकाल लें और इस
न्यू आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लें तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट लिए वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा बिल्कुल वही होगा अगर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें और उनका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। इस प्रॉपर्टी को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी हम चेक कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं हमने देखा। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट बोले तो इस इमेजनरी पार्ट की जो साइन है ये मिडल साइन को हम चेंज कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये कॉन्जुगेट को नोट डाउन कर लें, फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें, ये इमेजनरी पार्ट्स की साइन चेंज करके इनका कॉन्जुगेट बना दे, फिर उनका मल्टीप्लाई करें तो आने वाला रिजल्ट, दोनों रिजल्ट सेम होगा। हम इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, आसानी से उसे वेरीफाई किया जा सकता है, तो ये वेरीफाई मैं समझता हूं आप कर लेंगे। उसके बाद नंबर सिक्स है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और उसके कॉन्जुगेट को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिलेगा। अगर आपका लेटेस्ट कंसिडर आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ए प्लस आई बी, उसको उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी जेड बाहर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका कॉन्जुगेट जो हम निकाले वो ए माइनस आई बी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। और ये जो है इसको हम देखें तो ये प्योरली रियल है, यहां हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जेड इंटू जेड बार देखेंगे, वही कॉम्प्लेक्स नंबर उसी का कॉन्जुगेट लेके हमने उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस आई बी यह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, रियल पार्ट का रियल पार्ट से मल्टी होगा ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस ए बी, आई बी का मल्टीप्लाई ए से होगा प्लस इंटू प्लस, प्लस में रहेगा प्लस आई ए बी, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस इंटू माइनस, माइनस रहेगा आई स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर, प्लस आई बी माइनस आई बी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आपका बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये माइनस प्लस बी स्क्वायर होगा। हम यहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि जेड इंटू जेड बार क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये आपका प्योरली रियल है, यहां कहीं इमेजनरी नंबर नहीं आया है, आई वाला नंबर नहीं है, यानी ये प्योरली रियल नंबर है, एक रियल नंबर है जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रियल पार्ट है, वो एक रियल नंबर है, उसका स्क्वायर रियल नंबर होगा, क्योंकि हमने देखा है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में नाइन्थ और टेंथ में कि कोई रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर होता है, इसका स्क्वायर रियल नंबर है। और बी जो आपका इमेजिनरी पार्ट था वो बी भी रियल नंबर है, उसका स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, दो रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर होता है, तो ये आपका जो आने वाला नंबर है ये प्योरली रियल है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट में होगा वो, यानी आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, उनका मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लाई प्योरली रियल नंबर होगा, और वो रियल नंबर कौन सा रियल नंबर होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर का वो एडिशन होगा। ये प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन में आप फंडामेंटल ऑपरेशंस में आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ स्केलर भी है, यानी मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर, कॉम्प्लेक्स नंबर विथ स्केलर, यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लेट अस कंसीडर के इज एनी रियल नंबर विच इज स्केलर, एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, एंड जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी वेयर आई इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपका k इंटू जेड क्या रहेगा, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस स्केलर k से मल्टीप्लाई क्या रहेगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आई बी है,
इसके रियल पार्ट इस नंबर का रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा के ए, के का इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा माइनस के बी, यानी आपका ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केलर से मल्टीप्लाई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जिसका रियल पार्ट आपके उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इनटू स्केलर के होगा, और इस न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, वो इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इनटू वो स्केलर के होगा। तो इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, वो स्केलर नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अगर वो जीरो रहा तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव निगेटिव रियल नंबर भी हम लेके मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं इसका। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद